नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको देखता तक नहीं है वह आपसे मिलने के लिए दिन रात तड़पेगा। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे उपाय, एक ऐसे टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी लड़के या लड़की के ऊपर करते हैं, जो आपको भाव नहीं देता, जो आपको देखता तक नहीं, जो आपकी परवाह तक नहीं करता, ऐसे इंसान को भी खींच कर ले आता है। यह शक्तिशाली वशीकरण टोटका। यह उपाय केवल एक बार करना है और एक बार करते ही यह इतना अचूक और असरदार उपाय है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप किसी को बेहद प्रेम करते हैं लेकिन वह आपको देखता तक नहीं है, वह आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो यह उपाय आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए। इस उपाय से सामने वाला व्यक्ति दिन रात आपके लिए तड़पने लगेगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वह आपके लिए पागल हो जाएगा। यह उपाय स्त्री पुरुष किसी के लिए भी किया जा सकता है। पति पत्नी प्रेमिका अगर कोई दूर जा रहा है, आपको छोड़कर के जा रहा है, तो भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए, सामने वाला आपके बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे आपको बिना सोचे एक बार जरूर करके देखना चाहिए। यह उपाय यहाँ आप करेंगे वहाँ सामने वाले के ऊपर अपना असर, अपना प्रभाव उसी समय शुरू कर देगा और सामने वाला व्यक्ति केवल 5 से 8 घंटे के भीतर खुद आपको कॉल करेगा, सामने से गुजरेगा तो नजरें आप पर होगी। अगर वह आपसे नाराज है तो वह आपको खुद आकर के मनाएगा। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से वह आपके बारे में सोचने लगेगा, खुद आपको आभास हो जाएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस उपाय को करना है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि एक लाल मिर्च से यह उपाय करना है। मिर्च बहुत अधिक सूखी हुई ना हो, आप कच्चा लाल मिर्च भी ले सकते हैं। वीडियो में मिर्च दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं। आप ताजी मिर्च भी ले सकते हैं लेकिन मिर्ची लाल होनी चाहिए और साथ ही मिर्च में जो डंडी होती है वह भी होनी चाहिए। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मिर्च के बाहर घेरा बना हुआ है, तो इसके लिए आपको आटा लेना होगा। मिर्च और आटा लेने के बाद आपको किसी स्वच्छ स्थान पर आसन बिछा करके बैठ जाना है और बैठते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आपको करना है वशीकरण उपाय। दोस्तों, यह जो मिर्च है इसे आपको जमीन पर सामने रखना है और आपने जो आटा लिया है उससे आपको घेरा बनाना है जैसा वीडियो में दिखाया गया है। हाथ से आपको धीरे धीरे करके इसके चारों तरफ घेरा बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो मिर्च है जो घेरे के अंदर है, इस मिर्च की जो पूंछ है, जो डंडी है, उसे आपको पकड़ लेना है और उसके बाद आपका जो उल्टा हाथ है उसे आपको रखना है अपने सीधे कंधे पर और उसके बाद आंखें बंद करके उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं। उसे अच्छे से स्मरण करने के बाद जब आपके अंतर मन में वह आपको दिखाई देने लग जाए, जब आप उसे ठीक प्रकार से सोच लें, उसकी तस्वीर आपके मन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है। बहुत ही सरल सा मंत्र है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करना है। ओम क्लीम वत्र अमुके वशे, ओम क्लीम वत्र अमुके वशे। इस मंत्र का आपको 5 बार उच्चारण करना है और अमुके के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो या जो कोई भी हो, उसका नाम आपको यहाँ पर लेना है। 5 बार मंत्र बोलने के बाद आपको क्या करना है कि अपने उंगली को हटा लेना है और मिर्च को उठा लेना है, जो आटा है उसे वही बिखेर देना है। इसके बाद आपको उस मिर्ची को लेकर के अपने घर के बाहर या कहीं पर भी जहां मिट्टी है वहां पर लेकर जाना है और मिट्टी के नीचे मिर्च को दबा देना है। आप कहीं पर भी इसे दबा सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ पैर धो करके अपने घर के अंदर चले आना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन किसी भी समय बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि यहाँ आप उपाय करेंगे और वहाँ सामने वाला व्यक्ति आपके लिए दौड़ा चला आएगा।
बस विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना है और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपके कदमों में गिर जाएगा। जो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करता था वह आपसे बात करने के लिए बेचैन होने लगेगा। जो आपको देखता तक नहीं था, जो आपको भाव तक नहीं देता था वह आपके लिए पागल हो जाएगा। बस उपाय को आपको पूरे विश्वास के साथ करना है और बिना किसी स्वार्थ भाव से करना है। अगर आपको 5 से 8 घंटे के भीतर सफलता नहीं मिलती तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है। यह उपाय इतना तीव्र है कि बहुत ही जल्दी अपना कार्य दिखा देता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा यह आपके लिए कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जिसके अंदर स्वार्थ की भावना होती है उस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इसीलिए उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें और बिना किसी स्वार्थ भाव से करें, यह आपके लिए जरूर कार्य करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।